आज हम शुष्क सेल का अवलोकन करेंगे। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसकी आकृति मोटे कागज एवं धातु के बेलनाकार की होती है। इसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है जो धन ध्रुव का कार्य करती है, जिसे एनोड कहते हैं। इसके नीचे जस्ते की प्लेट लगी होती है जो ऋण ध्रुव का कार्य करती है, जिसे कैथोड कहते हैं। इसके बीचों बीच एक कार्बन की छड़ लगी होती है। इसके चारों ओर काले तथा सफ़ेद रंग का चूर भरा होता है। काले रंग का चूर मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा सफ़ेद रंग का चूर अमोनियम क्लोराइड का जलीय पेस्ट होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण और सफेद रंग का चूर अमोनियम क्लोराइड का जलीय पेस्ट होता है। सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच क्रिया होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक तार से जोड़ते हैं तब इससे कुछ समय के लिए विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा।